देखिए कल जो है पूरे हरियाणा के अंदर रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी जगह पे रोड जाम होंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री ने शर्म उतार रखाई है, सरे आँखों का भी अंधा अकल का भी अंधा है। मेरे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के चडूनी साहब, उनसे पूछेंगे कि कल की रूपरेखा क्या है, हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, किस तरह की रूपरेखा। देखिए कल जो है पूरे हरियाणा के अंदर रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी जगह पे रोड जाम होंगे। बहुत अच्छा माहौल है, अभी हम पूरे हरियाणा का राउंड काट के आए हैं और उसके बाद 25 तारीख का पूरा देशबंद का प्रोग्राम है। हमारा नहीं है, दूसरे संगठनों का, लेकिन हम उसमें सहयोग कर रहे हैं और उसके बाद पूरे देश के संगठनों को इकट्ठा करके पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आप हरियाणा भवन गए थे, वहाँ पर दो किसान गुटों में आपके बीच कुछ तानातानी की बातें सामने आई थी, क्या लगता है यह आंदोलन सफल होगा नहीं होगा? देखिए सरकार का एक षड्यंत्र था कि सरकार हमें अपने दो तीन आदमी खड़ा के ये दिखाना चाहती थी कि ये किसान संगठनों के और सरकार के बीच में एक समझौता हो गया है, 8 मांगों पे समझौता हो गया, दिखाना चाहती थी, ड्रामा कर रहे थे। उस ड्रामे का हमें पहले से पता चल गया कि ये ड्रामा कर रहे हैं हरियाणा भवन में, तो हम वहाँ पे पहुँच गए। बातचीत से तो हमने पहले ही इनकार कर दिया। हम वहाँ पे पहुँच गए, हमें पता चला था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहाँ पे मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमने मीडिया के सामने जब हम आए उनकी असलियत बताने के लिए, तो वो जो सरकार के एजेंट थे, किसान आंदोलन में शामिल नहीं है वो। आप कह रहे हैं किसान आंदोलन दो फाड़ नज़र आया या संगठन दो फाड़ नज़र आए, वो संगठन नहीं थे, वो सरकार के दलाल थे। हरियाणा के 17 किसान संगठनों का आंदोलन है और वो चल रहा है बखूबी। तो वो जो थे, एक तो अंबावता ग्रुप से था जो कई दिन पहले निकाल दिया गया इस आरोप में कि बीजेपी की दलाली कर रहा है। 10 को लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद हरियाणा सरकार जहां गठबंधन की है, एक तरफ जेजेपी ये कह रही है कि गलत हुआ, दूसरी तरफ जो है गृह मंत्री का जो बयान है वो कि कुछ लाठीचार्ज नहीं हुआ, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री ने शर्म उतार रखाई है, सरे आँखों का भी अंधा अकल का भी अंधा है। उसको नज़र आ रहा है, वीडियो देख रहा है, फोटो देख रहा है, पुलिस लाठियाँ मार रही है और सिविल में पुलिस ने सिविल में अपने लोग मोटे लठ लेके खड़ाए हुए हैं। पुलिस वालों के पास तो प्लास्टिक के लठ होते हैं और जो टांगों में मारने होते हैं, उन्होंने मोटे लठ हैं वो खोपड़े में मार रहे हैं, सीधे हड्डियां तोड़ दी हैं पुलिस के लठ से, कभी जो प्लास्टिक का उससे हड्डी नहीं टूटती। ये सारी फोटोएँ देखने के बावजूद अगर कोई आदमी ये कहता है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, तो ये तो फिर बेशर्मी हो सकती है। और दूसरी तरफ उसी की सरकार के पार्टनर ये कहते हैं कि लाठियां किसानों को नहीं पड़ी हैं, लाठियां हमारे शरीर पे पड़ी हैं, ये ड्रामा मेरे को समझ नहीं आया। वो जांच की भी मांग कर रहे थे, किस तरह जांच की भी मांग कर रहे थे? जांच तो किसी ने करने, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सिविल में अपने लोगों को खड़ा के में मरवा थोड़ा ही सकते हैं, सिर में लाठी मारने का मतलब है आदमी को मारने का इरादा। पुलिस को मारना नहीं होता, पुलिस को तो भगाने होते हैं, टांगों पर मारना होता है। तो जो और उनके हमने नाम बता दिए, उनके आइडेंटिटी कार्ड तक हमने पेश कर दिए, किसी के ऊपर आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। तो अब आपको गिरफ्तार भी किया गया था जो है सिंगू बॉर्डर के पास से, तो क्या लगता है कि कल के लिए आप किसानों से मिल के आए हैं, क्या रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए सरकार ने एक कह लीजिए एक तरह कर्फ्यू जैसी स्थिति दिल्ली की बना दी। जब जिस दिन दिल्ली में संसद में ये कानून पास होने थे, उस दिन दिल्ली को पूरी तरह चौगिरदे सील कर दिया गया, कोई भी किसान को एक आदमी को भी दिल्ली में नहीं घुसने दिया गया। हालांकि मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, पकड़ लिया गया, 3 घंटे थाने में बिठा के रखा अवैध तौर पे। तो ये लोकतंत्र कहाँ है? जब किसान मजदूर आड़ती व्यापारी सारे मिल के कह रहे हैं कि हमें ये जो अध्यादेश हमें नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी इस तरह से करके प्रताड़ित करके इस तरह से कर्फ्यू जैसी स्थिति बना के उनको पास कर रहे हैं, फिर लोकतंत्र कहाँ बचा जाए? तो लोकतंत्र की हत्या है। ये तो कारपोरेट के लिए कानून बनाए गए हैं और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। किसानों को क्या नुकसान होने वाले हैं अध्यादेश आ रहा है? सरकार कह रही है कि कांग्रेस और कुछ लोग किसानों को, भोले वाले किसानों को बहका रहे हैं। सरकार के पास कहने के लिए जब कुछ शब्द नहीं बचे,
तो वो किसानों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये कांग्रेस के वो बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में 17 किसान संगठनों का आंदोलन है, क्या 17 के 17 कांग्रेसी हो गए? पंजाब वाले सारे कांग्रेसी हो गए, उत्तर प्रदेश वाले, राजस्थान वाले भी सारे कांग्रेसी हो गए, अकेली बीजेपी ही बची फिर तो? कोई इनके खिलाफ बोलता है, किसी को ये पाकिस्तानी बता देते हैं, किसी को ये कांग्रेसी बता देते हैं। कांग्रेस वर्सेज बीजेपी बन जाती है, किसानों के मुद्दों को भटकाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अध्यादेश हैं ये देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, केवल किसान विरोधी नहीं हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। इनसे कारपोरेट वर्सेज जनता ये बनेगा। पूरे देश का जो खदान है वो देश के चंद व्यापारी खरीदेंगे, देश के चंद पूंजीपति खरीदेंगे, और पूरे देश का जो पूरा देश जो है फिर इन्हीं से लेके खाएगा, और पूरा देश इनका ग्राहक होगा। तो ये ढांचा दो देश में खड़ा हो रहा है, और ये कहते हैं हम MSP नहीं तोड़ रहे हैं, जो WTO की शर्तों के अंदर है, जो ये पूरी कर रहे हैं WTO की शर्तों के अंदर। सबसे पहली सबसे अहम लाइन ही ये है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव नहीं दे सकती, और अगर वर्ल्ड मार्केट पे हम आते हैं तो फिर धान का रेट 1200 रुपये है, गेहूँ का रेट 1250 रुपये है, मूँगफली का रेट 3800 रुपये है, गेहूँ का सरसों का रेट 3500 रुपये है, मक्के का रेट 1100 रुपये है, फिर ऐसे किसान पीछेगा। तो अब क्या लगता है, जहाँ एक तरफ JJP के जो नेता ये कह रहे, दिग्विजय का बयान आया था कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इस्तीफा देने से क्या नाम है ये अध्यादेश वापस हो जाता है, तो हम देने के लिए तैयार हैं? ये दो मुहे हैं। पहले तो धनखड़ ने किसान बन के किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है, और अब इन्होंने ड्रामा किया, मैं देवीलाल का पोता हूँ, देवीलाल को भी कलंकित किया, और किसान के नाम पे राजनीति की। लोगों ने तो वोटें जो इनको दी एंटी बीजेपी दे के पूरे किसानों की वोटों को बेच दिया इन्होंने BJP के पास, और अब बेशर्मी से लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। ये अध्यादेश किसानों के पक्ष में है, इनसे तो अच्छी वो 100 गुण अच्छी रहेगी। जो हरसिमरत कौर है उसने तो, वो तो BJP की पार्टनर थी, उसने इस्तीफा दे दिया है, इनकी तो जमीर मर गई है, इनकी आत्मा मर गई है, ये इनको सरकार से किनारे नहीं होना चाहिए। क्या राज करने के लिए ज़िंदगी मिली है बस, क्या कोई इंसानियत नहीं बची है? कल हरनाम चुनूनी हरियाणा बरगाज दौरा किया है, कल किस तरह की रूपरेखा रहेगी सड़कों पर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम जाम करेंगे? देखिए बिल्कुल जाम करेंगे, केवल एक GT रोड छोड़ देंगे, उस GT रोड को छोड़ के पूरे जितने देश स्टेट के अंदर हाईवे हैं, जितने स्टेट के अंदर स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, पूरी तरह सबको सील किया जाएगा, सब जाम किए जाएंगे 3 घंटे के लिए। लेकिन हम उपद्रव नहीं करेंगे, लाठी सुट्टी किसी को नहीं मारेंगे। अगर पुलिस कहीं ज्यादती करती है, लाठी मारती है, गोली मारती है, मुकदमे बनाती है, बनाए, हम कोई हमारी तरफ से हमला कोई हमला नहीं होगा। हमारी तरफ से जो आंदोलन होगा वो शांतिप्रिय होगा। नाके लगाएंगे तो इनके तोड़ेंगे, रोकेंगे तो हम लेट के भी जाएंगे सड़क के ऊपर, लेकिन सड़क जरूर रोकेंगे। ये थे प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चुडूनी, पानीपत पहुँचे हैं। उनका ये कहना है कि कल समस्त हरियाणा में रोड जाम होने वाला है, और जिसको लेकर उनकी व्यापक तैयारियां हैं, और इसी कड़ी में पानीपत पहुंचे उन्होंने हरियाणा सरकार, गठबंधन सरकार पर हमलावार यहां पर दिखाई दिए। तो इस तरह से जो इन्होंने दावा किया है, इस दावे पर कितना खरा उतर पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।